ये देखो उसमें वॉकर सोल्यूशन डाल दिया, वॉकर सोल्यूशन वापस पैक कर दिया, और स्टिक लेंगे उसका शॉर्ट लेंगे इधर इधर देखो इधर भैया, इसकी किस्मत डिप कर दी सोल्यूशन में बाहर में जो भी सैंपल आया है और 10 बार को आएंगे। झालावाड़ जिला एक बार फिर कोरोना की चपेट में आने लगा है। बात करें 52 कैसे एक्टिव सामने आए हैं, साथ ही कोरोना को लेकर जिला प्रशासन काफ़ी एक्टिव मोड पर है। डीएम भारती दीक्षित और सीएमएचओ जीएम सैयद इस मामले को काफ़ी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। जगह जगह सैंपलिंग की व्यवस्था बढ़ा दी गई है, रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो, साथ ही राजस्थान के बाहर से आने वाले लोगों पर नज़र रखी जा रही है। राजस्थान में झालावाड़ जिला पहले भी कोविड हॉटस्पॉट बन चुका है, इसके लेकर प्रशासन काफ़ी सजग और सतर्क है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए झालावाड़ से आरिफ मंसूरी। बता कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, झालावाड़ जिले में भी कोरोना के सामने किस तरह से व्यवस्था जब संभाल रहे हैं? झालावाड़ जिले में कोरोना को लेकर हमने BCMOs और मेडिकल ऑफिसर्स की मीटिंग कर ली है, और इसमें ये देखने में आया है कि जो कोरोना के केसेस आ रहे हैं उसमें एक परिवार में ज़्यादातर पॉजिटिव पाए गए हैं। एक केस की जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो उसमें कॉन्टेक्ट हमने जब उनकी जाँच की तो उसमें कुछ लोग पॉजिटिव पाए गए, ज़्यादातर कॉन्टेक्ट परिवार के लोग भी पॉजिटिव हैं। फिर भी इसकी निगरानी के लिए बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे और जहाँ आवागमन के साधन हैं वहाँ पर पूरी निगाह रखी जा रही है, और सैम्पलिंग टीम भी हमारी काम कर रही है इन स्पॉट्स पर। कोई भी अगर विदेशी पर्यटक या यहाँ के कोई रेजिडेंट आते हैं तो उन पर भी पूरी निगरानी रखे हुए हैं। कितने केस सामने आए? अगर हम फोर्थ वेव की बात करें तो 27-12 से जो टोटल आंकड़ा है 47 अभी एक्टिव केस है। 52 कुल केस हुए थे जिसमें से 2 डेथ रिपोर्टेड है और 3 केस रिकवर हो चुके हैं। और जो डेथ हुई है उसमें भी कोमॉर्बिडिटी साथ में थी, जो पहला केस था उसमें भी COPD जो लंग की डिजीज़ होती है वो साथ में थी, और ये जो सेकंड केस की डेथ हुई है उसमें भी लीवर डिसऑर्डर भी था उसके साथ में, उसको ट्यूबरक्लोसिस भी था और TB का इलाज भी ले रहा था। मतलब प्रशासन पूरी तरह पहले नज़र बनाए हुए हैं? प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, सामान्य जिला कलेक्टर महोदया का पूरा इस पर